आई वी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना इलाके के तिलापुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या की गई है। ससुराल पहुंची परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सराय अकील थाना इलाके के चकपिन्हा निवासी सज्जन लाल ने अपनी बेटी रीता देवी की शादी तिलापुर गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार से अपने हैसियत के हिसाब से बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन शुरू से ही पति अपाचे गाड़ी और 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इसी बात को लेकर ससुराल वाले आए दिन लड़की को मारते पीटते और दहेज के लिए परेशान करते थे। लड़की के पिता ने बताया कि रात को ही बेटी ने फोन कर बताया था कि ये लोग हमें मार देंगे, पापा हमें बचा लो। और दोपहर में खबर मिली कि तबीयत खराब है, लेकिन घर पहुंचते तो लड़की की मौत हो चुकी थी। पिता ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए मायके वालों ने हमारी बेटी को मार दिया। लड़की का शव देख मायके पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना किसी ने सराय अकील पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सराय अकील पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता की संदिग्ध मौत पर ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उसके पेट में तेज दर्द था, इलाज के लिए ले जा रहे थे तभी समय रास्ते में लड़की की मौत हो गई। इस पूरे घटना पर पुलिस का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे क्या हुआ था? अरे ये हुआ था कि सुबह ही लोग लड़ाई उड़ाई अपन मचाए थे, गाड़ी उड़ी मांग रहे थे, तो हम बोले थे कि हम शाम तक में आएंगे। और उसके बाद में देखें तो 10 बजे लड़की से हमसे बातचीत हुई और उसके बाद में देखें तो लड़की यहाँ 1 बजे यहाँ ही ख़त्म। हमसे बताऊबो तक नहीं थे, हमसे फोनो न करके बताएं, आन आन से बात ही करें, कह रहे हैं हमको कि 1 लाख रुपया। नाम क्या है आपका? हमारा नाम सज्जन लाल।